लगाते थे हमारे यहाँ पर साइकिल पे गरी यहीं पर आते थे उनसे चटनी हो गई मीठी चटनी है और मसाले हैं बस यही दो चीज़ होती है बस होते हैं पहले यही काम करते हैं कचौड़ी बनाते हैं फिर मटर उबालते हैं धनिया है ये सब रेडी करके 10-11 बजे तक तैयार हो जाता है 11 बजे हम यहाँ लगाते हैं 11:30 बजे तक लगा देते हैं यहाँ पे कस्टमर काफ़ी दिनों से आते हैं और बहुत दूर दूर से भी आते हैं। कुछ दिन पहले एक लेडीज आई थी यहाँ पे तो लंदन के लिए पैक करा के लेके थे पहले दिन मैं लंदन में शिफ्ट हुई तो काफ़ी दिनों बाद वो आई हुई शायद यहाँ पर अपने परिजनों से मिलने तो यहाँ पे आई थी वो पहले एक बार खा के गई फिर दोबारा आई कह रही भैया मुझे आज ही जाना है वहाँ पे लेने तो आप जैसे मतलब जैसे हैं वैसे पैक कर दो मतलब ख़राब ना हो इससे मैं सुबह से उठता हूँ काम करता हूँ शाम को मतलब मेहनत करता हूँ उसका रंग मुझे मिलता है मेरे लिए धंधा मेरे लिए बहुत ही सक्सेसफुल शुरू से पापा ने भी यही करा था और मैं भी यही करता हूँ और दूसरा कोई काम मत करूँ सिर्फ एक सब तरह के ग्राहक होते हैं कोई 30 भी दे देता है कोई 20 भी दे देता है कोई 15 भी दे देता है ये बहुत बड़ी सुकून आता है इससे पैसे हो ना हो कोई बात नहीं बहुत लोग हमसे पूछते हैं ये पतीला क्यों रखते हो कहते हैं कि इसमें छोले खराब नहीं होते इस वजह से पतीला रखते हैं ना तो सब्जी खराब हो जाएगी खाएगा कौन शाम तक कौन पहले मेरे पिताजी करते थे उन्होंने से अब ये काम होता नहीं हम बड़े हो गए तो हमने सोचा अब हम ही ये काम करने अपना इस वजह से हम मैं ये काम कर रहा हूँ घर में सारे मिलजुल के काम बता बांट लेते हैं आपस में कोई प्याज काट लेता है कोई अचार बना लेता है कोई धनिया काट लेता है हम सब ऐसे आपस में मिलकर कर लेते हैं मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी कोई आता है अगर यहाँ पे छोले कुलचे ना खाए तो मतलब मानो बेकार ही होती है कनाना और ना एक ही यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ लव अफेक्शन और थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाता है इसलिए रिक्वेस्ट देने तो थोड़ा सा दे दो विल प्रोवाइड यू इफ यू डोंट हैव मनी दैट इज अगेन वन थिंग यू हैव बीन कमिंग ओवर हियर रेगुलरली सो दे डू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर सो दे हैव गॉट गुड नेचर दे हैव बीन सर्विंग फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग लाइक 12 इयर्स एज यू मेंशन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड लाइक ठीक है और विल रिमेंबर थ्रू आउट लाइफ लाइक एज वी लाइक ग्रेजुएट एंड डूइंग लॉ सो अगर 10 साल बाद भी कैंपस में आएंगे दिस इज समथिंग दैट ये हमें खींच लाएंगे।